ये हैं ठाकुर विनोद जायस। ये अपने काम के लिए, अपनी समाज सेवा के लिए, वैसे तो पूरे गोंडा विधानसभा में, चाहे वो कोई भी वार्ड हो, कोई भी एरिया हो या कोई भी क्षेत्र हो, लोग इनको इनकी समाज सेवा की वजह से काफ़ी अच्छे से जानते हैं। मगर 2020 में कोरोना काल के दौरान और 2021 में जितनी मेहनत इन्होंने की है, उतनी शायद ही किसी नेता ने या किसी यहाँ के क्षेत्र विधायक या निगम पार्षद ने की होगी। इनकी सेवा की मिसाल इस वक्त गोंडा विधानसभा के और खासकर भजनपुरा, ब्रह्मपुरी और ऐसे वार्ड जो भी इनके घर के आसपास हैं, इनके एरियाज में लगे हुए हैं, वहाँ पे दी जा रही है। ये आप देख सकते हैं, इन्होंने लगातार इस पूरे कोरोना काल में सैनिटाइज करवाया है पूरे एरिए को, मास्क बांटे हैं, सैनिटाइजर बांटे हैं, लोगों को भोजन बांटा है, और साथ ही साथ इस पूरे कोरोना काल में जब लोग अपनी जान बचा रहे थे, उस टाइम एक एक व्यक्ति को जिसकी भी कॉल आई है, जहाँ पे भी कॉल आई है, चाहे वो दिल्ली हो, NCR हो, उसको एडमिट कराया है, ऑक्सीजन पहुँचाई है, उसके घर तक दवाइयाँ पहुँचाई हैं, उसके घर तक इंजेक्शन पहुँचवाए हैं, और उसको उस हॉस्पिटल में बढ़िया से बढ़िया ट्रीटमेंट के तक के लिए इन्होंने अपनी पूरी कोशिश और पूरी जान लगा दी थी। खैर, यह तो कोरोना काल की बात हुई। अब इन्होंने एक पहल और की है, ये है डेंगू से बचाव की मुहिम। आप देखिए, इन्होंने एक फॉग मशीन इस पूरे गोंडा विधानसभा के लिए अरेंज की है, और इसका उद्घाटन यहाँ के क्षेत्र लोगों से मिलके उनके द्वारा किया गया। क्षेत्र लोगों ने इसका उद्घाटन किया, और यह उसी दिन से, यानी अब लगातार यह लोगों की सेवा में कार्य कर रही है। कोरोना तो चला गया जो भी है अभी थोड़ा बहुत, मगर अब डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी बीमारी जो हर बार इस गर्मियों की छुट्टियों में या गर्मी के इस समय में जो अपने पैर पसारती है, उसको देखते हुए विनोद ठाकुर ने इस चीज़ के लिए पहल की है, और अब लगातार अपने पूरे एरिए में फॉगिंग करा रहे हैं। खुद जाते हैं, अपने साथ काम करने वाले, अपने साथ के सभी सहयोगियों को भेजते हैं, और एक एक गली, एक एक एरिए को फोकस करके लगातार फॉगिंग कराई जा रही है। शायद इनका यही काम इस क्षेत्र की सभी जनता को पसंद आ रहा है। इन्होंने ना किसी पार्टी का नाम रखा है अपने साथ, ना किसी दल का, इन्होंने सिर्फ एक चीज़ अपने साथ जोड़ रखी है, समाज सेवा, मतलब नर सेवा और नारायण सेवा। इन्होंने यही मूल मंत्र अपना अपना रखा है, और लगातार कोरोना काल हो या अब चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया से बचाव की तैयारी हो, यह लगातार यह काम कर रहे हैं, और पूरे क्षेत्र में लगातार ऐसे काम करते जा रहे हैं। इसके बाद आप डेंगू की भी तैयारी कर रहे हैं, डेंगू के लिए आपने फॉग मशीन और ये सब चीजों का अरेंज किया है? हाँ जी, क्योंकि मैंने तो दोनों सरकारें देख ली, दोनों फेल हो गई हैं। एक ने इंतजार करा, दूसरा इंतजार कराता रह गया, तो इसलिए मैंने पहले कोशिश करी है। एक तो आपदा से हम बहुत मुश्किल से निपट नहीं पा रहे हैं, आगे आने वाले टाइम डेंगू का, चिकनगुनिया का, मलेरिया का, इस सब का होगा, तो मैंने अपने प्रयासों से, अपने क्षेत्रवासियों के आशीर्वाद से, एक डेंगू के लिए, ऐसे मच्छरों के लिए, मॉस्किटोज के लिए, एक मैंने फॉगिंग मशीन का लेके आया हूँ अपने क्षेत्रवासियों के लिए, जिसका हम शाम को शुभारम्भ करने जा रहे हैं, आपके सामने करेंगे सर।